5 ml, वैसे 2 ml लिया जाता है, लेकिन इस वक्त कीट मकोड़ों का ज्यादा प्रकोप हो गया है। और यहाँ पर देखिए मैं डाल दे रहा हूँ। आपको अल्टरनेट 3 दिन करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर कीट मकोड़ों का अटैक हो गया है, समझ लीजिएगा 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है। यहाँ गार्डन में कीट मकोड़े बहुत कम मात्रा में लगते हैं। देखिए लगा हुआ है, उसको पूरी तरीके से आपको नहला देना है। ये देख सकते हैं मैं नहला दे रहा हूं। हाथ में सफेद सी चीज जो आप देख रहे हैं, ये एक लिक्विड कीटनाशक है और सभी प्रकार के कीड़ों को ये सफाया कर देगा। अगर आप इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में अपने पौधों पर करेंगे, बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है। कैसे इसका प्रयोग करना है, ये कौन सा कीटनाशक है, आज के इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, मार्च का महीना चल रहा है और इस वक्त बहुत सारे कीट मकोड़े गार्डन में एक्टिव रहते हैं, जो कि पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आप सही समय पर और सही टाइम से करेंगे, तो आपके यहाँ भी कीड़ों का हो जाएगा सफाया, या यू कह सकता हूँ कि कीड़ों का काम तमाम हो जाएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कीट मकोड़ों से अपने पौधों को कैसे बचाएं और ये जो लिक्विड कीटनाशक है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, सब आज के इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि गार्डनिंग संबंधी मैं जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टाइम से पहुंच सके। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, ये सफेद सी चीज आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कीटनाशक है और सभी प्रकार के कीड़ों का सफाया कर देगा। कैसे करना है इस्तेमाल और कब कब करना है और कब नहीं करना है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपके यहाँ भी पौधों में कीट मकोड़ों का अटैक हो गया है और आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है। फ्रेंड्स, मार्च का महीना चल रहा है और जैसा कि आप जानते हैं कि पॉलिनेशन के बाद फ्रूट की सेटिंग हो जाती है या बहुत सारे पौधों में फ्लावर आ जाता है और धीरे धीरे करके पौधे में फ्रूट की सेटिंग होने लगती है। जैसा कि आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं फ्रूट की सेटिंग यहाँ पर हो रही है और मेरे कुछ और प्लांटों में देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं फ्रूट की सेटिंग यहाँ पर देखिए प्लांट में हो रही है और कीट मकोड़ों का भी अटैक इस वक्त हो जाता है, क्योंकि इस वक्त नई नई पत्तियां आती हैं, नई नई कोपलें आती हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि डोरमेंसी से बाहर आते हैं और नई नई पत्तियां जो उनमें आ रही है वो कीट मकोड़े साफ कर देते हैं, यानी खा जाते हैं। तो यही एक सही समय होता है कि उन पौधों पर कीटनाशक का इस्तेमाल करें। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ऑर्गेनिक और केमिकल। तो फिलहाल मैं अपने गार्डन में किसी भी प्रकार के केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करता हूं। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक कीटनाशक का प्रयोग करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और सर्दियों में मैं अपने टेरेस गार्डन में बिवेरिया बासियाना का प्रयोग करता हूं, जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है, लेकिन इस वक्त टेम्परेचर जो है 30 डिग्री के ऊपर जा रहा है, तो बिवेरिया बासियाना काम नहीं करने वाला। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रूट की ड्रॉपिंग हुई है और ये जो फ्रूट की ड्रॉपिंग हुई है फ्रेंड, ये कीट मकोड़ों के कारण हुई है और कीट मकोड़े काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे कि मिली बग भी कभी कभी प्लांट में लग जाता है, तो उसका भी निवारण आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, कीट मकोड़ों से हमारे प्लांट को काफ़ी नुकसान होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये देखिए नई नई कोपले आ रही हैं यहाँ पर, देखिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा, नई नई कोपले आ रही हैं और कीट मकोड़े इन्हीं पत्तियों के पीछे छिप जाते हैं और हमारे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती है कि सारी पत्तियाँ काट काट के गिरा देते हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि हमारे पौधे की पत्तियां अचानक इतनी तेजी से क्यों गिर रही हैं। कई मेरे सब्सक्राइबर भाइयों ने मुझसे पूछा था कि पौधों की पत्तियां आखिर नई नई आखिर क्यों गिर जाती हैं। वो इसीलिए गिर जाती हैं कि उस पर कीट मकोड़ों का अटैक हो जाता है। ऑप्शन आपके पास दो हैं, केमिकल और ऑर्गेनिक, तो मैं यही कहूंगा कि आपको ऑर्गेनिक ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चींटियों का अटैक हो गया है, ये देख सकते हैं, और कुछ कीट मकोड़ों का भी अटैक हो गया है और इन्हीं कीट मकोड़ों को खाने के लिए चींटियां प्लांट पर चढ़ जाती हैं। और यहाँ देखिए मेरे इस ताइवान पिंक अमरूद के प्लांट में देखिए फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत लोग कह रहे थे कि मेरे प्लांट में भी फ्लावर आना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी देख लीजिए, कुछ दिनों पहले ही मैंने इस प्लांट की प्रूनिंग की थी, वीडियो पब्लिश किया था, और देखिए मेरे प्लांट में देखिए फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। अब चींटियों का यहाँ पर अटैक हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए नई नई कोपले आ रही हैं फ्रेंड्स, और आपके यहाँ भी अगर आपने प्रूनिंग की है तो नई नई कोपले ऐसे ही आ रही होंगी और इन्हीं कोपलों को कीड़े नुकसान पहुँचाते हैं और कभी पत्तियों के पीछे छिप जाते हैं और कभी पत्तियों के ऊपर ही पत्तियां खाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं जो लिक्विड इंसेक्टिसाइड के बारे में बताऊंगा,
तो ध्यान से समझिएगा कि उसका इस्तेमाल कैसे कैसे करना है। अगर आपने गलत तरीके से अपने पौधे में इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया ऑर्गेनिक वाला, तो भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड बहुत कम जानकारी है लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि लोग सिर्फ सोचते हैं कि बस एक बार इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर दें तो कीड़े साफ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप में से बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, ताकि हमारे जो पौधे हैं बहुत अच्छी तरीके से सेफ रहें, क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और उनके यहाँ मिली बाग, एफिड्स, कई तरह के ऐसे कीट जो कि पौधे को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि कभी कभी लोगों का गार्डनिंग से मन ही उठ जाता है। वो कह सोचते हैं कि अब मुझे गार्डनिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे यहाँ तो मिली बग का अटैक हो गया है, या हमारे गार्डन में अब इतने कीड़े आ गए हैं कि हमारा गार्डन ही खराब हो गया है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं ऑर्गेनिक तरीके से आपके छत के ऊपर जितने पौधे लगे हैं या आपने जमीन में भी पौधे लगाए हैं, जो तरीका मैं बताऊंगा अगर फॉलो करेंगे तो एक भी कीट बचेगा नहीं और पूरी तरीके से हो जाएगा सफाया। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं मेरा मैंगो प्लांट कितना हरा भरा है, स्वस्थ है। इसका कारण यह है कि मैं अपने पौधे पर नियमित तौर पर ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करता हूँ, तभी आपको इसकी पत्तियाँ बिल्कुल हरी भरी चमकदार दिखाई दे रही होंगी। ये देखिए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लावर देखिए, देख के दिल खुश हो जाएगा। तो मेरा प्लांट निरोग रहता है, यानी स्वस्थ रहता है, क्योंकि समय समय पर मैं ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करता रहता हूँ। और मैं सभी को सलाह देता हूँ कि केमिकल इंसेक्टिसाइड से बचें, खास तौर पर जो लोग टेरिस गार्डनिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कीट मकोड़ों से बचाने के लिए हम मैं इसी लिक्विड कीटनाशक का प्रयोग करता हूँ, जो कि आपको दूध जैसा दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स, ये है नीम ऑयल। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम लगा दिया और बताया नहीं, और बहुत लोग यहीं पर नीम ऑयल सुनकर निकल लेंगे, कहेंगे कि उन्हें पूरी जानकारी हो गई। लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपके पौधे में ज़रूरत से ज़्यादा कीट मकोड़ों का अटैक हो गया है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिनको नॉलेज लेना है वीडियो में, यहाँ पर प्लीज़ आगे देखिएगा, और जिनको नॉलेज नहीं लेना है तो मैं क्या कहूँ। तो फिलहाल ये देखिए फ्रेंड्स, ये नीम ऑयल है और कितने ppm का है, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। और ये एक ढक्कन नीम ऑयल है फ्रेंड्स, और यहाँ पर ये देखिए, ये नीम ऑयल देख सकते हैं मैं प्रयोग करता हूँ, और ये 1500 ppm का है। और 1500 ppm का कोई भी नीम ऑयल आप प्रयोग कर सकते हैं अपने प्लांट पर। और मैं हमेशा ऐसा ही ऑर्गेनिक कीटनाशक प्रयोग करता हूं, देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक कीटनाशक। और अगर आपको ये नहीं मिल पा रहा है तो बाजार से आप इस तरह का भी नीम का तेल ले सकते हैं, और उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, कीट मकोड़ों से बचाने के लिए नीम ऑयल का प्रयोग मैं करता हूँ, और दूसरा बेबेरिया बासियाना का। तो बेबेरिया बासियाना का प्रयोग तो फ्रेंड मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त 30 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ पर देखिए, यही वाला नीम ऑयल है और मैंने लिया हुआ है फ्रेंड्स 5 ml। वैसे 2 ml लिया जाता है, लेकिन इस वक्त कीट मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप हो गया है, तो ये ऑर्गेनिक होता है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो यहाँ पर मैं करीब 4 ml से 5 ml के आसपास लिया हुआ है, और पानी देख लीजिए 2 liter है, 2 ml ही पर लीटर हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं करीब 5 ml ले रहा हूँ, 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से ले रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा, 2.5 ml पर लीटर, तो इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिए। और ये नीम ऑयल है, और यहाँ पर देखिए मैं डाल दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं पूरा नीम ऑयल देखिए मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब बहुत लोगों को नीम ऑयल अगर नहीं मिल पा रहा है, उनके पास इस तरह का अगर नीम का तेल है, तो ये पानी में पूरी तरीके से नहीं घुलेगा। और ये जो नीम ऑयल होता है, ये प्लांट्स के लिए स्पेशल बनाया जाता है, बाजार में बिकता है। अगर जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग बाई कर लीजिएगा, ये भी बहुत बढ़िया नीम ऑयल होता है। और जो लोग इस तरह का नीम ऑयल प्रयोग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। 2 ml आपको लेना है, और चूंकि ये तेल घुलेगा नहीं, तो थोड़ा सा आपको शैम्पू उसमें घोल लेना है मिला के, यानी कि करीब 2 ml शैम्पू ले लीजिए इसमें से, और इस वाले नीम ऑयल में आप मिला लीजिए, क्योंकि ये घुलता नहीं है। और उसके बाद इस तरह के स्प्रेयर में डालकर आप अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। किस तरह के प्लांट पर करना चाहिए, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। आपने देखा कि मैंने इसमें करीब 4 से 5 ml नीम ऑयल इसमें डाल लिया है, और पानी की जो मात्रा है, ध्यान समझ लीजिएगा, 2 liter है, 2 liter में 5 ml, तो देख लीजिए। अब मैं यहाँ पर स्प्रे पंप को बंद कर रहा हूँ, अभी आपको बताने वाला हूँ कि किस किस प्लांट में कब कब करना चाहिए, कितने दिनों में करना चाहिए। ज़्यादा अगर कीट मकोड़े लगे हैं तो भी आप कैसे कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे देखिए फ्रूट लगे हुए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और इसी वक्त कीट मकोड़ों का अटैक होता है, क्योंकि नई नई पत्तियाँ आती हैं, और देखिए यहाँ पर काफ़ी कीड़ों ने खा लिया है।
तो ये जो नीम ऑयल है देखिए फ्रेंड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर जिन लोगों के यहाँ ज़्यादा मात्रा में कीट मकोड़ों का अटैक हो गया है तो इस नीम ऑयल का इस्तेमाल आपको अल्टरनेट 3 दिन करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कीट मकोड़ों का अटैक हो गया है समझ लीजिएगा 1 दिन छोड़कर 1 दिन करना है, यानी कि 6 दिन में मैं कह सकता हूँ 3 बार करना है, मात्रा 2 से 2.5 ml पर लीटर के हिसाब से। अगर ज़्यादा है, अगर नहीं है तो हफ्ते में आपको 1 बार नीम ऑयल का इस्तेमाल अपने प्लांट पर नियमित तौर पर करना है, आपको गैप नहीं करना है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कीटनाशक है, उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि केमिकल वाला होता है, इसलिए अगर आप इसको नियमित तौर पर करेंगे तभी आपका प्लांट सही से बच पाएगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इस बारी वन स्वीट माल्टा के प्लांट में देखिए फ्रूट की सेटिंग यहाँ पर हो चुकी है और धीरे धीरे इसका पॉलिनेशन खत्म हो चुका है। हालांकि नीम ऑयल से उतना पॉलिनेशन बाधित नहीं होता, इस चीज़ समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था क्या नीम ऑयल का इस्तेमाल फ्लावरिंग के समय किया जा सकता है। तो देखिए कीटनाशक तो कीटनाशक प्रॉब्लम होती है पॉलिनेशन में, जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो दूर भागते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से नीम ऑयल की जो तीक्ष्ण गंध है वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन जैसे ही पॉलिनेशन पूरा होता है, यानी कि छोटे छोटे दाने देखिए यहाँ पर बनने लगे, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ पास से, देखिए छोटे छोटे फ्रूट यहाँ पर देखिए सेट हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए फ्रूट की सेटिंग हो चुकी है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देख सकते हैं नीम ऑयल का इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार 1500 ppm का करना चाहिए। और अगर जिनके गार्डन में ज़्यादा कीट मकोड़े लगते रहते हैं, मेरे यहाँ गार्डन में कीट मकोड़े बहुत कम मात्रा में लगते हैं और मैं इसीलिए 1500 ppm का यूज़ करता हूँ, तो जिनके यहाँ ज़्यादा लगते हैं वो 3000 ppm का कर सकते हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ कि जिनके यहाँ मिली बग का अटैक हो गया है वो कैसे छुटकारा पाएंगे। फिलहाल पूरा प्लांट आपको नहला देना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा ये अंगूर का प्लांट है और अंगूर में इस वक्त जो है नई नई पत्तियाँ देखिए आ रही हैं, तो जो नई नई पत्तियाँ होती हैं वो कीट मकोड़े खा जाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये अंगूर देखिए लगा हुआ है, उसको पूरी तरीके से आपको नहला देना है। ये देख सकते हैं मैं नहला दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं पूरा प्लांट आपको नहला देना है और आप देखेंगे कि इसके आसपास कोई भी कीड़ा नहीं फटकेगा। आप देखिए मैं नीम ऑयल का ही स्प्रे करता हूँ और कोई कीड़ा आपको दिखाई नहीं देगा मेरे गार्डन में, ये देखिए। लेकिन क्या है कि कंटिन्यूटी है, निरंतर करता रहता हूँ इसलिए मेरे यहाँ कोई कीड़ा नज़र नहीं आ रहा। लोग यहीं गलती करते हैं और नीम ऑयल का इस्तेमाल कभी 15 दिन में करते हैं, कभी 1 महीने में करते हैं, उनको लगता है कि अब कीड़े का अटैक नहीं हो रहा तो नहीं करते हैं, लेकिन आप इसको रेगुलर करेंगे तभी ये इफेक्ट दिखा पाएगा। जहाँ मिली बग का अटैक हो गया है वो नीम ऑयल का जैसे आप स्प्रे कर रहे हैं तो इस तरह के स्प्रे पंप में आप 1 ग्राम सर्फ मिला लीजिए, ये जो कपड़ा धोने वाला सर्फ आता है सिर्फ 1 ग्राम आपको मिलाना है और इसी नीम ऑयल को विद सर्फ के साथ आपको उस प्लांट पर जिस पर कि मिली बग का अटैक हो गया है पूरा प्लांट नहला देना है और आप देखेंगे कि मिली बग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। मैंने कई बार ये फार्मूला आजमाया है, मेरे 1-2 प्लांट में मिली बग का अटैक हो गया था तो मैंने सर्फ के साथ नीम ऑयल का इस्तेमाल किया था और पूरी तरीके से मिली बग का खात्मा हो गया था। मेरे गार्डन में आपको कहीं भी मिली बग दिखाई नहीं देगा। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में नीम ऑयल का इस्तेमाल अपने प्लांट में करके दिखाया। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस वक्त कीट मकोड़ों का काफ़ी अटैक गार्डन में हो रहा था और बहुत सारे लोग जानना चाह रहे थे कि ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कैसे करें, तो सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक कीटनाशक नीम ऑयल होता है और मैं अपने प्लांट में निरंतर करता रहता हूँ और देखिए मेरा प्लांट कितना बढ़िया है, कहीं से आपको कीट मकोड़ों का कोई भी अटैक नहीं दिखाई देगा। मैंने बताया भी है कि मैं समय समय पर कैसे प्रयोग करता हूँ, इसकी डोज कैसे देता हूँ, तो देख लीजिए मैं महीने में 4 बार इसका इस्तेमाल करता हूँ, यानी 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करता हूँ और मेरे सभी पौधे स्वस्थ चल रहे हैं। जिनके यहाँ ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है मैंने वो भी बताया है कि 6 दिन में 3 बार कर लें, जिनके यहाँ ज़्यादा हो गया है 6 दिन में स्टार्टिंग में 3 बार कर लें, उसके बाद उनके गार्डन की हालत सुधर जाएगी। ये मैंने इसीलिए बोला है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ बहुत भारी मात्रा में कीट मकोड़ों का अटैक हो गया है, तो 6 दिन में 3 बार आपको करना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन, और आप देखेंगे कि 7वें दिन उनके गार्डन में कीट मकोड़ों का अटैक खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे और ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।